दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, Mi 11X को अपडेट आ चुका है MIUI 14 का, जो कि Android 13 पे बेस्ड है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जो ब्लैक कलर क्रश इशू है, जो कि MIUI 13 के टाइम में मैंने अपना वीडियो बना के बताया था। उस समय Android 12 था और Mi 11X और Mi 11X Pro में ये जो प्रॉब्लम है ब्लैक कलर क्रश का, ये बहुत ज़्यादा है और Mi के कुछ और सीरीज़ में ये प्रॉब्लम है। तो मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि उसमें कैसा ब्लैक कलर क्रश इशू का प्रॉब्लम है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंड्रॉयड 13 के बाद और MIUI 14 के बाद क्या ब्लैक कलर क्रश इशू में कुछ चेंज आया है, मींस कुछ बेहतर हुआ है पहले से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले जब हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम दो तरीके से टेस्ट करने वाले हैं। एक है जो सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले में जाने के बाद हम यहाँ पर जो कलर स्कीम है उसको हम लोग विविट कर देंगे, जो कि रिकमेंडेड कलर है, ये पहले से सेट रहता है। इसमें देखेंगे क्या चेंज होता है। और दूसरा टेस्ट करेंगे वो सैचुरेटेड में करेंगे, जो कि कलर को और थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। तो हम अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले हम विविट में टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूट्यूब पर एक वीडियो प्ले करते हैं। तो जैसे कि ये एक वीडियो है, और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे, और लाइट भी ऑफ कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको पता चले। तो मैंने लाइट ऑफ कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो प्ले किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि अभी तो पता नहीं चल रहा है ब्लैक कलर क्रश, और ब्राइटनेस जो है मैंने फुल ही कर दिया है। तो इसमें तो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, मीन्स अगर आप विविड में देखते हैं तो ब्लैक कलर क्रश इशू का कोई प्रॉब्लम वैसा फील नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आप सिनेरियो बदल जाएगा अगर आप इसको सैचुरेटेड में देखेंगे तो उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते, क्योंकि पहले भी जो विविड में था तो ब्लैक कलर क्रश इशू पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही हम सैचुरेटेड में करते हैं तो ब्लैक कलर क्रश इशू जो है वो विजिबल हो जाता है। तो चलिए, आप तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और कलर वगैरह भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो कहीं पे भी वैसे ब्लैक कलर क्रश इशू दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसे इधर से भी कहीं पे भी नहीं है, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सैचुरेटेड में कर देते हैं, जो कि हम लोग जनरली करते हैं, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन जो है उसमें सैचुरेटेड और अच्छा लगता है देखने में। तो इसको चलिए सैचुरेटेड में कर देते हैं। तो हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि विविड में है तो विविड में टेस्ट हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड में कर देते हैं, जो कि कलर को थोड़ा और बूस्ट कर देता है और अच्छा लगता है देखने में। तो इसको सैचुरेटेड में कर देते हैं, कर दिया मैंने, और अब फिर से एक बार वीडियो प्ले करेंगे और अब देखेंगे क्या चेंज होता है, क्योंकि दोस्तों पहले भी यही प्रॉब्लम हुआ करता था और अभी क्या सिचुएशन है ये तो लाइव ही पता चल जाएगा आपको। तो मैंने फुल कर दिया है ब्राइटनेस और यहाँ पे वीडियो को प्ले करते हैं। अब ध्यान से आप देखिए, देखिए ब्लैक कलर क्रश दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अगर आप विविड में देखते हैं तो आपको ब्लैक कलर क्रश इशू का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप सैचुरेटेड कर दीजिएगा, जो कि कलर को बूस्ट कर देता है, आपको ब्लैक कलर क्रश इशू विजिबल हो जाता है। तो चाहे ये MIUI 13 हो, चाहे ये MIUI 14 हो, जब डिस्प्ले में ही प्रॉब्लम है, जो कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है, तो सॉफ्टवेयर इसको कुछ नहीं कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि सैचुरेटेड में ये काम नहीं करेगा, और Xiaomi इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए विविड में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा आपके सामने, पता चल रहा आपको, लेकिन जैसे ही हम लोग सैचुरेटेड कर दे रहे हैं, जो कि कलर को बूस्ट कर देता है अच्छे तरीके से, आपको विजिबल हो रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वीडियो टूल बॉक्स के थ्रू, और इसको आप कर दीजिए HDR में। ठीक है, और अब देखिए, अब आपको ब्लैक कलर क्रश जो है वो नहीं दिखेगा। देखिए, नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिखेगा। तो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं वीडियो टूल बॉक्स का यूज़ करके, आप सैचुरेटेड में फ़ोन रखिए, क्योंकि बहुत अच्छा कलर आता है, पंची कलर आता है, लेकिन जब वीडियो प्लेबैक करते हैं तो वीडियो टूल बॉक्स ऑन कर दीजिए और उसको क्या करिए, उसको कर दीजिए आप HDR में। HDR में कर दीजिएगा तो देखिए एकदम
डार्क जो है डार्क रहेगा और जो लाइट है सो बिल्कुल लाइट रहेगा, और कलर देखिए बिल्कुल भी क्रश नहीं कर रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है, आप देख सकते हैं ना बिल्कुल क्लियरली। तो दोस्तों यही था वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कोई डाउट या क्वेरी होता है आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने दोस्तों अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है, आप मी 11X का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपका कोई डाउट या क्वेरी होता है तो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।